हेलो दोस्तों, आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल टीसी। और यहाँ पर हम सभी दोस्त आज यहाँ पर घूमने आए हैं डंपिंग यार्ड, ये किशनगढ़ में पड़ता है। ये रास्ता हमारे को पता नहीं था, ये बंद है, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। बंद है, बंद है दोस्तों। ये एच साइन है, ये हैरी पॉटर का है। यहाँ पर दूर दूर से पर्यटन घूमने के लिए आते हैं। जैसे अगर कोई मेरे दोस्त हेलीकॉप्टर से आना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है यहाँ पर। और जो ये वाइट वाइट बर्फ़ जैसा दिखाई दे रहा है, ये बुरादा है। यहाँ पर काफ़ी लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। ये किशनगढ़ में नंबर वन है, टूरिज्म पैलेस है। आप सभी चारों तरफ देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी घूमने की फ़ोटोज़ वीडियोज़ क्लिक करने की जगह है। आप भी यहाँ पर आकर घूम सकते हैं, अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर शाम के टाइम काफ़ी लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पर बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई है घूमने की, देखने की, खाने पीने रहने की सभी सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। जैसे कि आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों को पता है कि किशनगढ़ में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। उन फैक्ट्रियों से जो बुरादा निकलता है वो यहाँ पर बिछाया जाता है। देखो चारों तरफ कैसी जगह है घूमने की, बहुत ही शानदार इलाका है यहाँ घूमने के लिए। यहाँ सभी को कश्मीर जैसा दिखाई देता है। यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा है देखने के लिए। देखो वहाँ पर लोग है वीडियो शूट वूट कर रहे हैं। आप भी एक दिन यहाँ पर आइए और वीडियो शूट वूट करिए अपने। हम भी आज घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर पहली बार और आप तक ये वीडियो पहुँचा रहे हैं। अब आगे की ओर हम प्रस्थान कर रहे हैं। देखता यहाँ पर घुड़सवारी की व्यवस्था भी है, उसमें भी आप फोटो वोटो वीडियो बना सकते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर, देखो यहाँ पर वेडिंग शूटिंग हो रही है। शादी पार्टियों में जो भी वेडिंग होती है, प्री वेडिंग शूटिंग की जा रही है यहाँ पर। और यहाँ पर काफ़ी अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्य से लोग आते हैं घूमने के लिए। ये पूरे अजमेर में घूमने के लिए नंबर वन टूरिज्म पैलेस है। देखो ये लड़का कैसे खड़ा होकर फ़ोटो क्लिक करवा रहा है। और यहाँ पर मौसम का नज़ारा भी देख सकते हो आप, कितने अच्छे बादल है दोस्तों। अब हम आगे की ओर प्रस्थान करें। देखो यहाँ पर घोड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पर मूर्तियाँ भी है विभिन्न प्रकार की। हेलो दोस्तों, अभी ये पास में आपको घोड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर घोड़ों पर सवारी करके भी हम फोटो वीडियो बना सकते हैं। और यहाँ पर नाव की व्यवस्था भी है। यहाँ पर छोटे छोटे तालाब बने हुए, बहुत ही शानदार नज़ारा है। झील जैसा दिखाई देता है ये नज़ारा। ये बहुत ही शानदार, देखो नीले नीला पानी बना हुआ है। देखो दोस्तों दिन के समय में कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर फोटो शूटिंग के लिए। और ये हमारे पास में देखो व्हाइट कलर का घोड़ा है, पांच है। अब हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आपको ये पूरा नज़ारा, जैसे झील बनी हुई है इसका पूरा नज़ारा दिखा रहे हैं। देखो ऊपर कितने लोग हैं यहाँ पर, ये घोड़े भी है बहुत सारे। यहाँ पर घोड़े को हम किराए पर ले सकते हैं और अपना वीडियो वीडियो बना सकते हैं। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर पूरे भारत से लोग आते हैं वीडियो बनाने के लिए। यह है यहाँ पर डेकोरेशन का बना हुआ है। और इसके आगे भी बहुत लोग वीडियो बना रहे हैं। देखो ये लव का प्री वेडिंग शूटिंग हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं लव का साइन बना हुआ है। प्री वेडिंग शूटिंग के लिए यहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं दूर दूर से। अब थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये नाव बनी हुई है वीडियो शूटिंग के लिए, इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। देखो यहाँ पर हरा पानी दिखाई दे रहा है आप सभी को। और यहाँ पर वीडियो शूटिंग हो रही है प्री वेडिंग के लिए। ये लोग जयपुर से आए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की भी शूटिंग हो चुकी है अभी तक। ऐसे
देखते रहिए आप हमारी वीडियो में, आगे आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा इसमें। ये फिर छोटा सा तालाब आ गया इसमें, ये थोड़ा बहुत पानी है फिर भी ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है आप सभी को। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह घूमने के लिए, एक बार आप आओ और खुद ही देखो। यहाँ पर देखो पहाड़ी जैसे इलाके हैं, ये देखो छोटी छोटी पहाड़ियाँ बनी हुई है जैसे फिल्मों में देखते हैं हम, उसी प्रकार बना हुआ है। यहाँ पर नज़ारा कुछ इस तरीके से सजाया हुआ है। यहाँ पर ये छोटे छोटे डंपिंग बने हुए हैं घूमने के लिए, और अभी देख सकते हो दिन के समय भी कितने लोग आए हुए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। अब हम आगे की ओर चल रहे हैं, हम नीचे उतर के आपको दिखाएंगे कि आगे का नज़ारा क्या है, अभी तक हमारे को भी पता नहीं है। ये देखो वीडियो में कितना अच्छा सुंदर नज़ारा है, यहाँ पर मैं पहाड़ी पर खड़ा हूँ और वीडियो शूट कर रहा हूँ। देखो आप कितने अच्छे अच्छे पहले से यहाँ पर घूमने के लिए। ये पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है ये जगह डंपिंग यार्ड के नाम से। ये देखो यहाँ पर छोटे छोटे साइन भी बने हुए वीडियो बनाने के लिए, फोटोशूट करने के लिए इनका इस्तेमाल करके आप अपनी वीडियो की शूटिंग कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ है, और ये जो तालाब है इनके बारे में तो मैंने पहले बताया था आपको, फिर भी आप एक बार और देख लो आराम से। सबसे बेस्ट जगह ये है राजस्थान में घूमने के लिए, किसी भी मौसम में आ सकते हो आप यहाँ पर। अब ये मेरा बड़ा भाई ये बताएगा आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में, ये पहले आया हुआ है यहाँ पर घूमने के लिए। ये भाई लेको देखो ये शूटिंग कर रहे हैं, ये फोटो वोटो शूट कर रहे हैं चेतन, ये देखो बच्चों को भी लेके आते हैं। ये पानी है यहाँ पे नीला और हरा पानी दिखाई देता है। ये देखो शूट कर रहे हैं और घोड़े से भी सवार करके फोटो क्लिक करा सकते हो आप, यहाँ घोड़े भी उपलब्ध है। और ये दिखाई दे रहे हैं ना ये सफ़ेद सफ़ेद सी, ये कश्मीरी का सी नज़ारा दिखाई दे रहा है। और ये देखो जो भी बुरादा लेके आते हैं वो सामने वो ट्रक आ रहा है ना उसमें है, और इसमें काम भी चालू है, प्रगति में है अभी, जो जेसीबी वेसीबी लग रही है की है। देखो ये घोड़े पे शूट करवा रहे हैं वीडियो, देखो ये घोड़ा सवार होके अब शूट करवाएगा वीडियो। हम अब वापस जा रहे हैं, जाते हुए का नज़ारा हम बता रहे हैं। देखो ये घूमने के लिए आए हुए हैं। अब ज़्यादा भीड़ अकेटी हो रही है, हम जैसे ही जा रहे हैं वैसे ही पब्लिक आ रही है। ये शाम का समय हो रहा है इसी कारण यहाँ पे भीड़ भी ज़्यादा से ज़्यादा हो रही है।
ये देखो इनका नज़ारा, हम वापस जा रहे हैं और ये पब्लिक देखने के लिए आ रहे हैं। देखो ये बर्फ़ का सा नज़ारा दिखाई दे रहा है। यह एक बुरादा है जो किशनगढ़ के अंदर जो फैक्ट्रियों के अंदर निकलता है उनको लाके यहाँ पे डाला जाता है और यहाँ पे फैलाया जाता है। और हम ऊपर की तरफ वापस जा रहे हैं जो आपको दिखा रहे हैं सामने की तरफ। काफ़ी काफ़ी पब्लिक आ रही है, आप देख ही रहे होगे भाई लोगों जो भी वीडियो में। वापस हम दिखा रहे हैं पीछे की तरफ से ये नज़ारा आपको। ये वापस हम एयरपोर्ट पे आ चुके हैं जो आपको शुरू में बताया था कि यहाँ हेलीकॉप्टर द्वारा भी आ सकते हो। और यहाँ पे सामने जो है ये कोई जो भी खाना यवाने के लिए रेस्टोरेंट की व्यवस्था भी है ये जो देख रहे हो। ये बहुत अच्छा सा है देखो। अब भाई लोगों आपको मैं बताता हूँ, ये देखो अब ये सामने आपको दिखा रहा हूँ ये पार्किंग है, यहाँ पे टूरिस्ट घूमने के लिए आए हुए हैं। देख लो आपको ये नज़ारा। दोस्तों आप यहाँ स्टेशन पर भी आ सकते हैं, स्टेशन से ऑटो लेके या बाइक लेके भी आ सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप सभी हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।